वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओआरओवाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में आज हम शुरू करेंगे इकोसिस्टम से, तो चलिए देखते हैं। तो इन नेचर सेवरल कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, एज वेल एज विद दियर फिजिकल एनवायरमेंट एज एन इकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो इसी इंटरेक्शन को वी कॉल इट इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो टर्म है इकोसिस्टम, इट वॉज कॉइंड बाय एजी टांसले, ये याद रखिएगा। जो इकोसिस्टम है ये वर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया एजी टांसले द्वारा, ठीक है। ये क्या है, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इनकम्पासिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इट्स बायोटिक मतलब होता है लिविंग एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम इज नोन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये याद रखिएगा स्टेटमेंट, इकोसिस्टम इज नोन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज वाटर ड्रॉपलेट, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोसिस्टम, ठीक है। माइक्रो इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इतना छोटा जो आपका इकोसिस्टम होता है, पानी की बूंद इतना है, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोसिस्टम। आगे देखें तो कार्ल मैबियस ने इसको बोला था, कार्ल द आइडिया ऑफ इकोसिस्टम इज एज अ बायोसिनोसिस, ठीक है। बायोसिनोसिस बोला है कार्ल मोबियस ने और वहीं फोर्ब्स ने, ठीक है रुकिए एक सेकेंड, वहीं फोर्ब्स ने इसको बोला है इकोसिस्टम एज अ माइक्रोकॉस्म, ओके। तो जो ये इकोसिस्टम है इसकी प्रोसेस को बायोसिनेसिस कहा गया है कार्ल मोबियस के द्वारा और माइक्रोकॉस्म बोला गया है फोर्ब्स के द्वारा। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम इन नेचर कैन बी डिवाइडेड इन टू मेजर कैटेगरी, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम, इसको दो मेजर कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिसमें आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें है आपका ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट एक्सेट्रा, ये उसके एग्जांपल हैं, ठीक है टेरेस्ट्रियल के। और वहीं एक्वेटिक के एग्जांपल हैं लेक्स, रिवर एंड सीज, ओके ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि अर्थ पे जो है वो पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, दैट्स वाई एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए अबाउट 71% ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड बाई एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज स्प्रेड ओवर द मोस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका द ओशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। अबाउट 97% ऑफ द एग्जिस्टिंग हाइड्रोस्फीयर ऑन द अर्थ इज सी वाटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये तो हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, रॉक, वाटर, एयर विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ अर्थ क्वार्टरनरी मेंटल, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले है आपका इंडिविजुअल, देन उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ये देखिए ये आ गया आपका बायोम, और फिर यहाँ पे है आपका बायोस्फीयर, ठीक है, ये रहा आपका बायोस्फीयर। ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, सबसे पहले होता है आपका इंडिविजुअल, उसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन, उसके बाद है आपकी कम्युनिटी, देन आता है आपका इकोसिस्टम, उसके बाद है आपका बायोम, उसके बाद है बायोस्फीयर। ये क्रम बिल्कुल सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका कोई ट्रिक आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर लीजिए IPCE, ठीक है, बायोम और बायोस्फीयर रिमेंबर किए रहिएगा, लास्ट में बायोस्फीयर है ये याद किए रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। अब आगे